जोहर आदिवासी अमरवीर को, जोहर कमरमीम दादा को, जोहर स्वयं गंगल को, जोहर मती रामचंद्र को, जोहर रामजी गोंड को, जोहर जोहर। आदिवासी लोगों के राइट्स की सुरक्षा के लिए जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बात हो रही है, उसके अंदर लगातार ये बात हो रही है कैसे उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। और इसी विषय में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं, मैं बता दूँ। और ये लोगों की कुछ मांगे हैं, उन्हीं विषय पर बात करेंगे हम लोग और जानेंगे कि क्यों ये जंतर मंतर पे आए और क्या रीजन था जिसकी वजह से इनको जंतर मंतर आना पड़ा। क्या जो पांचवी अनुसूची है संविधान की, उसके अनुसूची है उसके अंदर क्या अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, क्या हो रहा है तेलंगाना में अन्य राज्यों में, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंदी वेंकटरमणा, आधार सोसाइटी का नेशनल चेयरमैन हूँ मैं। या जंतर मंतर ये पहली बार नहीं है, अभी इससे पहले भी तीन बार आ चुके हैं। तो अभी हमारा जनजातियों को तेलंगाना वेस्ट वाइल कंबाइंड आंध्र प्रदेश में जब से लड़ रहे हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जो अपन का जो हक है, अधिकार है, वो कोई भी प्रभुत्व या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो लागू नहीं कर रहा है। इसका वास्ते हमारा आवाज़ देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। लगातार ये बात हो रही है। आपने मुझे बताया कि किस तरीके से बहुत सारे अधिकारों को नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात हो रही है कि रिमूवल ऑफ लंबाडा, बंजारा, सुंगली फ्रॉम एसटी लिस्ट। ये क्या एसटी नहीं थे, और नहीं थे तो कब इनको शामिल किया गया और कब से मांग है ये? ये तो सबको यहाँ आने वाले सब लोगों को जानते हैं, ये गैर कानून से इलीगली इंक्लूडेड। ये क्या बोले तो 1976 में जो इमरजेंसी था, इमरजेंसी का पीरियड में ये एक बिल लाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पीरियड में गलत तरीके से कुछ जातियों को एसटी में शामिल कर दिया, जिससे एसटी का हक मारा गया। सही बात। तो इसमें जो इसमें कानून में लिखा हुआ है, जो कम्युनिटी को एसटी में मिलाना बोले तो इसका प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनली। एक कमीशन बनता है, कमीशन का रिपोर्ट बनता है, इसमें असेंबली में डिबेट होता है, इसके बाद में पार्लियामेंट को आता है, इसके बाद में आरजीआई इनसे सब लोगों का ऑब्जेक्शन लेते हैं, इसके बाद में नोटिस देना होता है। नोटिस का बगैर नोटिस से ये लोग शामिल किया गया था। इसका वास्ते अपन को जो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो लोग आदिवासी लोग है वो अभी तक इसमें डेवलपमेंट में नहीं, ये सामाजिक स्थिति में नहीं,
और इकोनॉमिकल स्थिति में नहीं है और एजुकेशन में ये पूरा इसमें डाउनफॉल है। तो ये खाली ये जो जो डेवलप्ड कम्युनिटी है वो बीसी कम्युनिटी है, वो जनजाति नहीं है, वो लोगों का आप कह रहे हो कि जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनको एसटी में डाल दिया। नॉट ओनली इन तेलंगाना, दे आर इन महाराष्ट्र, दे आर इन कर्नाटका, दे आर इन राजस्थान, सभी लोग सभी एरिया में अलग अलग तरीके से वो लोगों को माना जाता है। खाली तेलंगाना में बोले तो जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश में शामिल किया करने का वास्ते करने गलत तरीके से करने से ये महाराष्ट्र से राजस्थान से कर्नाटक से सब लोग यहाँ माइग्रेट होके पूरा 1 लाख रहने वाला अभी 20 लाख 30 लाख अभी खराब हालात है। यस यस, वो ड्यू टू माइग्रेशन ये पॉपुलेशन ज़्यादा होने से ये पॉलिटिकल पार्टीज भी वो वोट बैंक देखता है मगर ये लोगों को सही तरह। यस यस, दैट इज ये जो दूसरा है आपका डिक्लेरेशन ऑफ जीओ नंबर 3 ऑर्डिनेंस फॉर एजेंसी एम्प्लॉयमेंट ऑफ आदिवासी स्टेट। यस सर, दिस इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओनली अंडर आर्टिकल 244। ये जो फिफ्थ शेड्यूल में लगा हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल में वो शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, शेड्यूल एरिया का जो एम्प्लॉयमेंट का है, वो जो एजुकेशन का है, उसके लिए पॉलिसी बना के वो लोगों को लागू करना चाहिए मगर खाली जीओ देने से वो लोग लीगली ये क्या बोलते हैं, ये नॉट वैलिड बोल के लीगली इलीगल बोल देता या इट विल नॉट स्टैंड लीगली, मतलब इसका कानून बनाने से अच्छा होता। ये जो 170 है इसमें शामिल नहीं है, 170 इज़ द एक्ट, वो तो कानून बना हो, ऐसी जीओ 3 को भी कानून बनाने से अपन का शेड्यूल एरिया का एम्प्लॉयमेंट को अपन बचा सकते। देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन द सर्टिफिकेट्स आल्सो, यू आर सेइंग दैट इशूइंग रोफर पोडू लैंड सर्टिफिकेट्स, सो व्हाट इज दिस? यस, सब लोग जानते हैं जो ROFR कानून है 2006, ओनली आदिवासी लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, जो आदिवासी लोगों का है, उनके लिए किया गया फॉरेस्ट राइट्स को गलत तरीके से सब लोगों को अप्लीकेशन ले रहे, अपन का आदिवासी लोगों का अप्लीकेशन पूरा रिजेक्ट कर दिए, तो किसी और को दे रहे हैं वो राइट्स और आदिवासियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। यस यस, दैट इज द प्रॉब्लम, जिसकी मर्जी आती है अधिकारी वैसे कर रहा है। यस yes. जो लॉबी करता है, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता है, वो लोगों को मिल रहा है, जो बिल्कुल बिल्कुल हमारा आदिवासी लोगों को जनजाति लोगों को नहीं मिल रहा है। सो इसमें क्या है, फॉरेस्ट वाला अभी ऐसा फोन लेकर गूगल मैप लेके ये पूरा फॉरेस्ट में आ रहे, आप गलत तरीके से आ गए, ये कह देंगे कि ये रिजर्व एरिया है और ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा हो रहा है। एक और आप कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ नॉन एजेंसी ट्राइबल विलेजेस टू द शेड्यूल्ड विलेज, बिफोर इंडिपेंडेंस हम राजा थे, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो अच्छा था, खुद ही चलाते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस अपन को दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दिए फिफ्थ शेड्यूल, मगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ रहा है। ऑटोनोमस काउंसिल भी दिए अपन का शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एजेंट बोला तो गवर्नर का अंडर गवर्नर इट हैज टू बी डन, मगर गवर्नर से नहीं हो रहे, वहाँ का जो ITDS बना है ITDS में से भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसका वास्ते क्या हो रहा है? अभी भी बिफोर इंडिपेंडेंस जो शेड्यूल एरिया था अभी भी 650 विलेजेस फिर भी शामिल नहीं हुआ, इसका वास्ते वो लोग गैर आदिवासी बन गए, वो लोगों का शेड्यूल एरिया का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। कितने विलेजेस हैं? 650 टोटल कंबाइंड स्टेट में, 850 था, तेलंगाना में 650 है। अच्छा, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1/70 LTR पैसा एक्ट इन एजेंसी एरिया, जो 1/70 है, जो अपन का लैंड का प्रोडक्शन है, तो शेड्यूल एरिया का प्रोडक्शन में भी जो ये जो माइग्रेशन आ रहे हैं ना, वो माइग्रेटेड लोगों को शामिल करने से अभी सादा बिनामा बोले तो वो लोग सेपरेट स्टेट कानून बना के 1/70 को कंप्लीट क्या बोलते इसको लागू कर रहा है, या हाँ 1/70 को लागू करने से रोक रहा है बोले तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। या अच्छा, लगातार ऐसी पीसा एक्ट है, ऐसे ROFR है, ये सब
मतलब कानून ये सब कानून अपन का जो बड़ा आदमी है अपन का हीरोस है वो लोग लड़ने से आए हुए कानून है मगर लागू करने में जो बलिदान दिया जिन लोगों ने अपनी जान दी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी चाहे वो बिरसा मुंडा हो ऐसे लोग जिनकी वजह से ये राइट्स मिले आपको राइट्स मिला आपको वो सब कानूनों को अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा आप ये कह रहे हैं या उनको उनका जो भी राइट्स है उसको कम करा जा रहा है और मनचाही तरीके से उसका मिसयूज किया जा रहा है। अभी भी यहाँ पे सभी लोग आए हुए है वो लोगों का अभी अपन का नहीं है अपन का बच्चों का भी फ्यूचर नहीं है अभी वहाँ का शेड्यूल एरिया का पूरा जो प्रॉपर्टीज है वो पूरा क्या बोलते हैं इसको डेवलपमेंट का नाम से वो पूरा ले गए तो ऐसी फॉरेस्ट का फॉरेस्ट लैंड्स भी गोल्ड लैंड का पट्टा नहीं दे रहे ऐसा भी क्या बोलते हैं वो लग रहा है। देखिए मैं दिखा दूं लगातार के सैकड़ों की संख्या में आदिवासी बैठे हुए हैं तेलंगाना और जगहों से आए हुए लोग हैं और ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं जो इनके राइट्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं और हम अब देखते हैं और आज सर किस किस को ज्ञापन देंगे और यही बात करेंगे और बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरे समाज के अंदर आदिवासियों का हक मारा जा रहा है वो राइट्स जो इनको बड़ी मेहनत से मिले थे लड़कर मिले थे वो आज हाशिए पर हैं और किस तरीके से मनमाने ढंग से अन्य जातियों को शेड्यूल ट्राइब जो बनाकर और उनको शामिल किया जा रहा है एसटी लिस्ट में उसके विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर आज ज्ञापन किसको देंगे आप? वो अमित शाह होम मिनिस्टर अमित शाह को और वो ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा साहब को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वही पुलिस वाला पूछा अभी रिप्रेजेंटेशन रेडी है। केंद्र सरकार को विनती कर रहा हूँ ये सब लोग आदिवासी समाज लोग हर गांव से आदिलाबाद से लेकर भद्राचलम तक है खम्मम जिला में वो कोना कोना आदिवासी गांव है उधर से इधर आया हमारा डिमांड क्या है हमारा हक है हमारा संविधान में लिखा है हमारा रिजर्वेशन 4% है वो पूरा लूट रहा है जो दूसरी जाति है वो राजस्थान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से वो लोग राठौड़ चौहान पवार लोग हैं वो ओसी है इधर महाराष्ट्र एमबीसी लोग हैं वो उधर आके हमारा एसटी रिजर्वेशन वो सब लूट रहा उसके लिए उसको निकालने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में केस डाला उसके लिए काउंटर एफिडेविट डालने के लिए केंद्र सरकार ने उसको बहुत बार अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा साहब को भी बहुत बार रिप्रेजेंस दे दिया अभी तक वो काउंटर एफिडेविट नहीं डाला। हमारा रिक्वेस्ट है हमारा विनती है हमारा मांग रहा हमारा काउंटर एफिडेविट जल्दी तुरंत सुप्रीम कोर्ट में डाला का। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे आप क्या करेंगे इसके आगे? ये दो महीने में केंद्र सरकार ने काउंटर एफिडेविट नहीं डाले तो आगे दिसंबर महीने में दिसंबर 9 तारीख को हर साल में हम आंदोलन करते हमारा हक क्या है उसको बचाने के लिए हमारा आदिवासी बचाने के लिए दिसंबर 9 तारीख को करते हैं। वो 2019 में रामलीला में 1,00,000 आदिवासी जमा हो गए इधर करा और नेक्स्ट साल इस साल में 2,00,000 आदिवासी लोग इधर आने के लिए सोच रहा। सीधा सीधा चेतावनी है कि अगर लागू नहीं किया अगर इनके अधिकार नहीं मिले तो बड़ा आंदोलन होगा सरकार को चाहिए कि इनके हक दे। आपको क्या लगता है हक मिले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए। मैं मनोज राजी जय हिंद जय भारत।